हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में मैं डील करने वाला हूँ आर्टिकल नंबर 138। इसमें बात करिए एनलार्जमेंट ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट का जितना दायरा है आप उसको और बढ़ा सकते हैं। कोई चीज़ आपको इंटरप्रेट करवानी है सुप्रीम कोर्ट से, तो अभी तक तो अपन ने आर्टिकल नंबर 133 में देखा सिविल मैटर को डील ले लो, सिविल मैटर की अपील चली जाएगी, या क्रिमिनल मैटर की अपील जानी है तो वो 134 में जा रही थी, और अगर स्पेशल लीव की पिटिशन लगानी है तो वो आर्टिकल 136 में जा रही थी। लेकिन अब यहाँ जो 138 है इसमें एनलार्जमेंट कर दिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो दायरा है, जो ज्यूरिसडिक्शन है, उसको और बढ़ा दिया। इसमें कहा गया है कि जो यूनियन लिस्ट में पार्लियामेंट, जो शेड्यूल 7 के अंदर जो यूनियन लिस्ट होती है, शेड्यूल 7 की अगर मैं बात करूँ तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शेड्यूल नंबर 7 है, उसमें लिस्ट दी हुई है। लिस्ट के अंदर बहुत सारे ग्राउंड्स मेंशन है, उन ग्राउंड्स पे बेसिकली बता रखा है कि कौन सी लिस्ट में कौन सा जो कानून है वो बनना चाहिए। उसमें तीन तरह की लिस्ट बता रखी है, एक बता रखी है स्टेट लिस्ट, एक बता रखी है उसमें यूनियन लिस्ट, और एक बता रखी है उसमें कॉन्करेंट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट तो एक स्टेट के लिए हो गई, राज्य के लिए। यूनियन लिस्ट हो गई जो पूरे देश पे काम करने वाली है, और कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट उसमें जो सब्जेक्ट मैटर्स आएंगे उस पर स्टेट और सेंटर दोनों अपने अपने कानून बना सकते हैं, कोई मना नहीं है। अगर स्टेट बनाना चाहे तो स्टेट बना सकता है, सेंटर बनाना चाहे तो सेंटर बना सकता है। लेकिन अगर स्टेट और सेंटर दोनों ने कानून बनाया और दोनों की बातें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, तो उसके लिए आर्टिकल नंबर 256 है, जो कि बात करता है 254 है आर्टिकल इसी में संविधान का। अगर 254 आप देखेंगे तो उसी में ये बात करी है कि जो सेंटर ने जो बात बोली है उसको प्रिवेल किया जाएगा, ना कि स्टेट की बात को। अगर राजस्थान ने और दिल्ली में जो सेंटर बैठा है, सेंट्रल गवर्नमेंट में लोग बैठे हैं, उन्होंने कानून बनाया और राजस्थान गवर्नमेंट ने कानून बनाया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कानून प्रिवेल करेगा, स्टेट गवर्नमेंट का कानून प्रिवेल नहीं करेगा। तो एनलार्जमेंट में पहला पॉइंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जो यूनियन लिस्ट होती है, तो पार्लियामेंट अगर एक लॉ बना देती है तो यूनियन लिस्ट में जो मैटर्स आते हैं, जैसे यूनियन लिस्ट में रेलवे का मैटर आता है, यूनियन लिस्ट में सेना वाला, आर्मी का मैटर सारे आते हैं, तो वो सारे मैटर जो हैं सुप्रीम कोर्ट उनको डील कर सकता है। दूसरा इसमें बात करिए कि सुप्रीम कोर्ट के पास फर्दर ज्यूरिडिक्शन पावर हो सकती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट से रिलेटेड, अगर कोई स्पेशल एग्रीमेंट उन दोनों के बीच में हुआ है और पार्लियामेंट ऐसा लॉ बना के देती है कि सुप्रीम कोर्ट उसको एक्साइज कर सके। कोई एग्रीमेंट है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के, और वो एग्रीमेंट में ये बातें हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हम जा सकते हैं इस चीज़ को लेके, तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है उस मैटर को डील करने के लिए। तो ये है कुल मिला के एक्स्ट्रा जो ज्यूरिसडिक्शन है उसका, एनलार्जमेंट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो कि बात करी है आर्टिकल नंबर 138 में। थैंक यू।